बोले ठीक है बाबा, आपने बहुत सुंदर नाम रखा, तनिक ये जो हमारा छोटा लाला है ना, इसके जन्म से उपद्रव ज्यादा हो रहे हैं, इसका भी तो नाम बता दो। आचार्य जी कहे, अरे मैया इनके नाम अनेक अनुपा, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, अनेक प्रकार के ग्रंथ इन्हीं के नामों से भरे रहे हैं। बोले बाबा हमें अनेक नाम नहीं चाहिए, हमें चौको सो बढ़िया सो कहीं एक नाम बता दो। तो गंगाचार्य जी ने कहा कि मैया एक नहीं बहुनि संते नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मण्य रूपाणि तमहं वेदनो जनः। अरे मैया इनके नाम अनेक अनुपा, जितने भी इनके नाम होंगे इनके गुणों से इनके कर्मों से अलग अलग नाम इनके पढ़ते रहेंगे, परंतु यह जन्म में ये थोड़ा श्याम वर्ण है तो हम इस जन्म में इसका नाम रखते हैं कृष्ण। क्या नाम रखा? इस जन्म में इसका नाम कृष्ण है। काल जन्म में ये देवकी और वसुदेव का पुत्र भी रहा होगा, इसलिए लोग इसे वासुदेव कृष्ण करके भी पुकारेंगे। बोले कृष्ण भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की, दोनों के सुंदर नाम रख दिए। बोले मैया कहे कि देखो बाबा, अपने नामकरण तो रख दिए, परंतु ये जो छोटा है इसका थोड़ा ग्रह भी देख लीजिए, ये बड़ा होकर कुछ करेगा भी या फिर बड़ा होकर इसका विवाह भी होगा या ऐसे ही रहेगा कुआरा। तो माताओं को चिंता होती है, भगवान की भी चिंता नहीं माता यशोदा को, क्यों? क्योंकि देखने में थोड़े काले थे ना, तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं मैया विवाह की तो चिंता ही ना कर। बोले क्यों? बोले आगे पीछे की भूमि रहेगी इसके। बोले अच्छा, तो तनिक ये भी बता दो कि मेरा ये जो पुत्र होगा बड़ा होकर क्या करेगा? विवाह का तो आपने बता दिया, देखो कैसे है ना व्यवहारिक जगत में भी, व्यवहार में भी ना, जब हमारे कोई बालक पैदा होता है ना, जब कोई बालक पैदा होता है तो सबसे पहले माता को कोई और चिंता नहीं होती। सबसे पहले क्या चिंता होती है कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा या नहीं होगा। कभी शादी विवाह या फिर अनुष्ठान में कहीं जाए ना, तो नई नई बहुओं को देख के माता बड़ी विचार करती है मन में। नई बहू देख गई ना तो अपने बेटे को देख के याद करती है, अरे मेरी बहू ऐसी होगी, है ना। नई बहू को देखेगी, अरे मेरी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू ऐसी होगी, परंतु तू बहू को आने तो देख, फिर देख बहू कैसी होगी। देख से कही राधे बाबा, तनिक इसका ग्रह बताओ, ये बड़ा होकर करेगा भी कुछ? बोले मैया करेगा तो पता नहीं, परंतु ये तुम्हारा बालक चोर होगा। ये क्या होगा? अब जिस माता के सामने भविष्य बता दिया जाए कि तेरा बालक चोर है, तो माता के होने पे बोले बाबा ये अब क्या कह रहे हैं चोर? बोले चोर ही नहीं, अब तो चोरों का सरदार होगा। तुम तो मुझे जिंदा जी मार रहे हो। बोले मैया चिंता मत करो। बोले तो तनिक बता भी तो चोरी क्या करेगा? बोले चोरी ऐसी करेगा, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्र कन्यम पुरुषम नमामि। अरे भैया ये कोई साधारण चोर नहीं होगा, अभी तो ब्रज में रह के गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लेगा। ब्रजमंडल में सभी गोपियों के घर से जाकर माखन चोरी करेगा और अनेक जन्मांतरित पाप चोर, जितने भी जन्मों के सभी पाप होंगे मनुष्य के, इसका नाम लेने से ही वो इन सब चोरों को, सब पापों को चोर लेगा। इसलिए ये सब प्रकार के पापों का हरण करने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा हरि। हरि का अर्थ है हर लेने वाला, चितवन से चित हरने,
अपने नेत्रों से सामने वाले का सब कुछ भर ले, इसलिए एक नाम पड़ेगा हरि। मैया दोनों ने विचार किया, यथा योग्य दक्षिणा दी, ब्राह्मण को विदा किया। अब विदा करने के बाद यशोदा ने कहा रोहिणी को, देख बहन पंडित जी तो हैं तो बहुत विद्वान, ये तो हम जान रहे हैं, परंतु नाम जरा इन्होंने टेढ़े मेढ़े रख दिए। बोले बड़े बेटे का तो राम ठीक है, पर छोटे बेटे का नाम रख दिया कृष्ण। अब कृष्ण बोलने में हमारी तो जुबान ही अटक जाएगी, जीभ चलेगी नहीं, बुढ़ापा पहले ही आ गया। तो दोनों माताओं ने विचार किया और अपने दोनों लालाओं के नाम अपने हिसाब से रख दिए। छोटे का नाम है कृष्ण और माता ने नाम रख दिया कनुआ, और बड़े का है बलराम तो उसका नाम रख दिया बलुआ। क्या का नाम रखे? कनुआ और बलुआ। बालक का कितना भी सुंदर नाम हो, परंतु घर में माताएं बालक का अपने ही हिसाब से प्रेम का नाम रखती हैं, प्रेम से नहीं रखते हैं। माताओं का प्यार रहा है बालकों से ज्यादा। अब मान लिया कोई छोटा सा बालक है और पैदा होने के बाद थोड़ा सांवला हुआ है, तो माताएं नाम रखती हैं कालू। क्या नाम रखा? क्या नाम रख देती हैं? कालू। अब जब वो बच्चा जवान हो जाए तो कालू नाम ही इसके लिए मौत हो गया। अब बच्चा 50 आदमियों के बीच में 20-25 साल का लड़का बैठा हो, कोई आवाज ला दे कालू, बोले कैसा नाम है। अब मान लिया छोटी सी बालिका है, अभी जन्म हुआ तो देखने में सुंदर है, माताओं ने भाव से नाम रख दिया गुड़िया। क्या नाम रखा? गुड़िया। और गुड़िया जब हो गई गुड़िया, तब उसको कहना गुड़िया कैसा लगेगा? इसलिए नाम हो तो विचार करते हैं, सुंदर सा कोई नाम हो जिससे आपके मुख में भी मिश्री गुड़े, व्यवहारिक जगत में भी ऐसे ही नाम रखना चाहिए। नाम रखे हैं तो अब दोनों बालक थोड़े बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलते हैं, तो कभी कीचड़ में लौटते हैं, तो कभी जाके भगवान बलराम और श्री कृष्ण कभी गौ के सींगों पर बैठते हैं झूल रहे हैं, तो कभी गोबर में तो कभी गोत्र में आज लिप्त रहे दोनों भाई, मानो साक्षात ये कीचड़ के ही देवता हो। एक दिन मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद दोनों भाइयों को आज मैया ने इतना सुंदर रूप पर झलकार पहचान पहनाई है, दोनों ने दौड़े दौड़े सिरे का उछाला में घुसा, गोबर में ऐसे दिखते हैं। उधर मैया ने देखा कि मेरे बालक कहाँ गए, दौड़ी दौड़ी गौशाला की तरफ जब गई तो गौशाला में जाकर देखा, कन्हैया को डांटा, अरे कन्हैया जब भी मैं तैयार करके हूँ सीधा गौशाला में नहीं घुसता है, पिछले जन्म का क्या सुकर था, पिछले जन्म में सुअर था। भगवान बलराम की तरफ देखे, बड़े भैया मैया पहचान गई, सबसे पहला भगवान का अवतार वराह सुअर के ही रूप में हुआ था। दोनों हंसते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं आज भगवान कर रहे हैं, सभी गोपियां आज वहां भगवान की लीलाओं को देख के बहुत मंत्र मुग्ध हो रही है। वृंदावन बिहारी लाल मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला, ना काला है ना गोरा है, रंगीला है रसीला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से I'm not afraid.
Thank you.